जिले में पहुंचर्चित थाना माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत धीरमपुर से दो दिन पहले एक 16 वर्षीय नाबालिका लापता हो गई थी। पीड़ित परिवार के बहुत खोजबीन करने के बाद पीड़ित परिवार को पता चला कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा उसे बहला फुसला कर ले जाया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने माखी थाने में तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त के खिलाफ 366 व 363 का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित परिवार की लड़की के स्कूल प्रबंधक व वाइस प्रिंसिपल पर लड़की को लापता करने का सहयोग करने का आरोप लगाया है। एक अध्यापक की इस भूमिका को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से इसका विरोध करके दोनों अध्यापकों को गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर नाम है जी। और किस गांव के रहने वाले हैं? धीरमपुर के रहने वाले। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि एक लड़का जो है मेरी भतीजी को भगा ले गया बहला फुसला करके, और वो अपने घर में रख रहा है। उसको मैनपुरी में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस गांव गई, हमारे घर में कोई था नहीं। मेरा ये भतीजा है जो हरियाणा में काम करता है, ये आज सुबह आया है। घर में कोई नहीं था, लड़की की माँ थी। वो अभी मतलब थोड़ा कम दिमाग की हैं, जो पूरी बात नहीं कर पाती ढंग से। अच्छा, पिताजी ख़त्म हो गए थे, मेरे सगे भाई थे। और वो लड़का जो है गांव में जब पुलिस लेके आया रात में, मैनपुरी से वापस आया माखी थाने, पुलिस लाई और माखी थाने से जो है उसको बीरमपुर ले गई रात में, और किसी से कंफर्म नहीं किया और कैसे क्या मामला सुलझा लिया। और लड़की को बिछिया और साड़ी सब कुछ पहरा के उसके घर में कर दिया। और साहब यही मामला है सवाल। लड़की कब गायब हुई थी? लड़की 16 तारीख को सुबह 7 बजे गायब हुई थी। अच्छा, तो फिर तहरीर कब दी आपने? तहरीर आज दिया मैंने। अच्छा, तो बीच में तहरीर क्यों नहीं दी, क्या रीज़न है? रीज़न ये रहा कि घर पे कोई गार्जियन था नहीं, मौके पर कोई था नहीं, तो देखभाल करने वाला कोई गार्जियन था नहीं, तो इसलिए आगे क्योंकि सुनवाई को कर ही नहीं पाया। वहाँ पे कोई था ही नहीं मौके पे। पुलिस अब क्या कह रही? पुलिस तो मेरा सहयोग पूरा कर रही है। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इन दोनों को दंडित किया जाए और कि ऐसा कभी ज़िंदगी में ना हो। क्या होना चाहिए? उनको जेल भेजा जाए।